नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय इक्विटी स्कूल। दोस्तों, शेयर मार्केट लाइफ टाइम हाईस पे है, सेंसेक्स 43,000 के ऊपर है और निफ्टी लगभग 13,000 के ऊपर है। किस फैक्टर्स के वजह से शेयर मार्केट इतना ऊपर है जबकि जीडीपी ग्रोथ बहुत ही कम है? क्या मार्केट ये हाईस को सस्टेन करेगा कि बड़ा फॉल आ सकता है? क्या आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि प्रॉफिट्स बुक करके मार्केट से निकल जाना चाहिए? ये सभी क्वेश्चंस को अच्छे से आज समझते हैं इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 2017 से ही गिर रहा है। 2017 में 7.4% था, 2018 में 6.12% था और 2019 में 4.2% था जीडीपी ग्रोथ। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ जब बहुत ही कम रही है, उसी वक्त ये कोरोना पैंडेमिक आ गया, जिसे फिलहाल Q4 में जीडीपी ग्रोथ है 3.1%। लास्ट 4 ईयर से कंटिन्यूसली जीडीपी ग्रोथ गिरते जा रहा है, तो शेयर मार्केट इतने ऊपर क्यों जा रहे हैं? ऊपर जाने के कौन से रीजंस है? वो रीजंस के बारे में हम अब देखते हैं। पहला रीजन है FPI इनफ्लोस। FPI यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल बैंक्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स जो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। कोरोना के टाइम पे यानी मार्च 2020 पे FPI ने इंडियन मार्केट से 61,973 करोड़ निकाले थे, जिससे बहुत बड़ा करेक्शन आया था। निफ्टी लगभग 7,000 के लेवल्स और सेंसेक्स 25,000 के ऑड लेवल्स तक पहुंच गया था। पर FPI ने इनफ्लोस अप्रैल 2020 से अभी तक 1,40,295 करोड़ का किया है। मतलब FPI ने इंडियन मार्केट्स में 1,40,295 करोड़ रुपीस का इन्वेस्ट किया है। ये FPI के नंबर्स लाइफ टाइम में हाईएस्ट नंबर्स है। पिछला हाईएस्ट नंबर था 1,40,033 करोड़ जो 2012-2013 में था। दूसरा रीजन है US इलेक्शंस आउटकम। हाल ही में हुआ अमेरिकन इलेक्शंस में जो बाइडेन जीत चुके हैं। बहुत एक्सपर्ट्स का कहना है जो बाइडेन US इकोनॉमी को न्यू हाइस पे ले जा सकते हैं, जिससे अमेरिकन मार्केट में तेजी आ चुकी है, इसलिए पूरे वर्ल्ड मार्केट न्यू हाइस में पहुंच गए हैं। तीसरा रीजन है कोरोना वायरस का मेडिसिन। पिफिजर कंपनी ने बताया है कि उनका कोविड वैक्सीन ट्रायल सक्सेसफुल हुआ है। पिफिजर, BioNTech, मॉडर्ना ये कंपनीज वैक्सीन जल्द से जल्द लाने की कोशिश कर रही है। और फोर्थ इम्पॉर्टेंट रीजन है रिटेल इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट्स, यानी लोग ज्यादातर पैसे अभी शेयर मार्केट में लगा रहे हैं, ना कि वो बैंक अकाउंट में रखकर, जिससे मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ गई है, यानी मार्केट में कैश फ्लो ज्यादा आ गए हैं। कैश फ्लो ज्यादा आने के कारण मार्केट्स न्यू हाइस पे पहुंच गए हैं। अगर ये रिटेल इन्वेस्टमेंट्स और बढ़ेंगे तो और मार्केट बढ़ने के चांसेस बहुत है। लोग ज्यादातर अपना पैसा बैंक अकाउंट में इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि सेविंग अकाउंट्स में अराउंड 3% to 4% इंटरेस्ट मिलता है, जो कि इन्फ्लेशन से बहुत कम है। इन्फ्लेशन अभी 6% के लगभग है और सेविंग अकाउंट्स में इंटरेस्ट ओनली 3% के करीब मिलता है, जो ओवरऑल लॉस ही होता है। इसलिए अच्छा रिटर्न्स मिलने के लिए बहुत लोग इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट करते हैं, यानी स्टॉक मार्केट्स में, जहां उन्हें डबल डिजिट ग्रोथ भी मिल सकता है और वो इन्फ्लेशन को भी इजीली बीट कर सकते हैं। इसलिए रिटेल इन्वेस्टर्स के बहुत इन्फ्लोस के कारण भी मार्केट न्यू हाइस पे जा रहा है। अभी अगला सवाल है कि ये मार्केट यहां सस्टेन कर पाएगा। दोस्तों, DIIs यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जैसे हमने देखा FPI के इन्फ्लोस लाइफ टाइम हाई पे है, पर वही DIIs मार्केट से 32,649 करोड़ रुपीस का आउटफ्लो कर चुके हैं, यानी मार्केट से इतना पैसा निकाल चुके हैं। अगर दोस्तों FPI भी यहां पर प्रॉफिट्स बुक करते हैं तो एक बड़ा करेक्शन आ सकता है। पर दोस्तों FPI बहुत ही बुलिश है और DIIs के पास अभी लिक्विडिटी यानी कैश है उनके पास, तो अगर वो DIIs यहां पर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो मार्केट और ऊपर जाने के चांसेस है। बहुत सारी कंपनीज ने Q4 रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे डिक्लेयर किए हैं, यानी इससे मार्केट्स ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है। अब हम देखेंगे कि आपको इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इतना हाइस पे, जबकि निफ्टी लगभग 13,000 के ऊपर है, यहाँ पर आपको एंट्री लेनी चाहिए कि प्रॉफिट्स बुक करके निकल जाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आपका व्यू 5 to 10 ईयर्स का टाइम फ्रेम का है, तो आपको फॉर श्योर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर गिरावट आए तो आप वहां पर एवरेज इन्वेस्टेड रह सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो आपको स्टॉप लॉस लगाकर बाय करना चाहिए। मार्केट्स में और तेजी आ सकती है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बने रहे हमारे YouTube चैनल माई इक्विटी स्कूल के साथ और दोस्तों लाइक, शेयर, कमेंट करना भी ना भूले। थैंक यू।